गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर आर्ट टीचर फ्रॉम MLZS रामपुरा फूल। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू फिल कलर इन दिस पम्पकिन। बच्चे, ये पम्पकिन आपकी बुक में पेज नंबर 5 पे है। आप इसमें उसी तरह से कलर करोगे जिस तरह से मैं आपको फिल करना बताऊंगी। सबसे पहले हम इसकी लीफ में कलर फिल कर रहे हैं। हम ग्रीन कलर फिल करेंगे इसमें इस तरह से। कलर हमारा बाहर नहीं निकलना चाहिए, अच्छे से फिल होना चाहिए। सारी की सारी लीफ में हम डार्क ग्रीन कलर फिल कर देंगे और कलर भी हमने डार्क डार्क ही फिल करना है। ये मैं स्लीपिंग वे में कर रही हूँ। सभी बच्चों ने स्लीपिंग वे में ही कलर फिल करना है, स्टैंडिंग में नहीं करना और स्लैंटिंग में भी नहीं करना। लीफ में हमारा कलर स्लीपिंग में आएगा। और कहीं भी वाइट स्पेस नज़र नहीं आनी चाहिए। सारे में हम डार्क डार्क कलर फिल कर देंगे इस तरह से। ठीक है बच्चे, अब इसके ऊपर वाले पार्ट में पम्पकिन के हम ब्राउन कलर फिल कर रहे हैं। ये भी हम डार्क डार्क फिल करेंगे। ये भी आपका लीफ के बीच और पम्पकिन के बीच में मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि पम्पकिन में हम ऑरेंज कलर करेंगे। ठीक है बच्चे, ये हमारा ब्राउन कलर हो गया और अब हम इसमें ऑरेंज कलर कर रहे हैं। इस तरह से हम इसके वन वन पार्ट में इस तरह से कर्व शेप में हम करेंगे। इस तरह से कर्व शेप में हम कलर फिल कर रहे हैं राउंड शेप में। इस तरह से हम इसके वन वन पार्ट में ही कलर फिल करेंगे। इस तरह से हम, जिस तरह से मैंने आपको कर्व लाइन बताई थी, उसी तरह से हम कर्व शेप में इसमें कलर फिल करेंगे। कोई भी कॉर्नर हमारा वाइट नहीं रहना चाहिए। हम इसको अच्छे से फिल करेंगे इस तरह से कर्व शेप में। क्रोन्स कलर ही हमने फिल करने हैं। अगर आप लोग ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहे हो तो ऑयल पेस्टल्स जो हैं उनसे, उसके साथ शीट ख़राब हो जाती है, वो फैल जाते हैं कलर्स, तो हम कलर्स क्रेयॉन्स ही फिल करेंगे। इस तरह से कर्व शेप में ही करेंगे हम फिर। सारे के सारे पम्पकिन में इसमें ऑरेंज कलर ही आएगा। इस तरह से पम्पकिन में अच्छे से कलर फिल करना है। इसकी लीफ में ग्रीन कलर आएगा, यहाँ पे ब्राउन और नीचे की तरफ ऑरेंज। किसी का भी कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये आपकी बुक में है पेज नंबर 5 पे। ठीक है बच्चे, आप अपने बुक में पम्पकिन में कलर फिल करोगे सेम इसी तरह से। ठीक है बच्चे, थैंक यू।